नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भी हो गया है, लेकिन एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच कल सनपमला मुकेश सहनी ने महागठबंधन को बाय बाय कह दिया। उनकी पार्टी वीआईपी अब महागठबंधन से अलग हो गई है, दूसरे किसी गठबंधन में शामिल हो सकती है। पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी बातें चल रही है। इस बीच आज चिराग पासवान ने भी एनडीए गठबंधन को बाय बाय कह दिया है। अब उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। चिराग पासवान अपने दम पर, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, टुडे बिहार न्यूज पर एक बड़ा खुलासा इस वक्त हम करने जा रहे हैं और साथ ही एक बड़ी खबर भी आपको दे दें। बड़ी खबर है कि चिराग पासवान 143 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के 143 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और नीतीश कुमार को औकात दिखाएगी। चिराग पासवान ने लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद निर्णय लिया है कि 143 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए, खुलासा करने जा रहे हैं बड़ा, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में विवाद कब से शुरू हुआ। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो हैं, नीतीश कुमार पर यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री पर हमेशा हमलावर दिखते हैं। नीतीश कुमार के उन तमाम योजनाओं पर भी वे सवाल उठाते हैं जिसके बल पर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश कुमार के कार्यशैली पर भी सवाल उठाते रहे। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश के सबसे महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना को भी भ्रष्टाचार से लिप्त बताया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जांच कराएंगे। चिराग पासवान ने बातें तब कही थी जब वे एनडीए गठबंधन थे। ये बयान लोक जनशक्ति पार्टी ने आधिकारिक रूप से दिया था। देखिए, एक बड़ा खुलासा इस वक्त हम करने जा रहे हैं। खुलासा ये कि चिराग पासवान की बात बीजेपी के साथ हो गई है। बड़ा खुलासा, चिराग पासवान और बीजेपी एक साथ हैं, एकजुट हैं। दूसरी बड़ा खुलासा, चिराग पासवान बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। तीसरा बड़ा खुलासा, चिराग पासवान नहीं चाहते कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो बड़ा खुलासा टुडे बिहार न्यूज पर हम इस वक्त कर रहे हैं। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम चिराग पासवान और बीजेपी के बीच के रणनीति की। देखिए, चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ बातें कर ली थी। चिराग पासवान और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच बातें हुई थी, कह सकते हैं कि बीजेपी के आला कमान तक भी बातें पहुंचाई गई थी और बातें हुई थी कि बिहार में सरकार बीजेपी की बनानी है। जो बड़ा खुलासा इस वक्त टुडे बिहार न्यूज पर हम कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारियां हमें जो मिल पा रही है उसके आधार पर, सूत्रों के अनुसार बता दें आपको कि चिराग पासवान नहीं चाहते कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बने। चिराग पासवान ने रणनीति बना ली थी, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बात कर ली थी, लेकिन जब बिहार में बीजेपी के बड़े नेता प्रचार करते हैं तब वे कहते हैं कि बिहार में हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, और चिराग पासवान को ये बातें कतई मंजूर नहीं था। चिराग पासवान नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान ने बीजेपी के बड़े नेताओं से संपर्क भी कर लिया था, चिराग पासवान की बातें भी हो गई थी, डील फाइनल भी हो गया था, और जब ये बातें जेडीयू के सामने रखी गई, नीतीश कुमार के सामने रखी गई, तो सीधे तौर पे एनडीए की सबसे बड़ी घटक दल जनता दल यूनाइटेड ने स्पष्ट कर दिया था कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे अगर एनडीए गठबंधन में, तो चेहरा नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे थे। वजह यही रही कि चिराग पासवान नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, और बीजेपी से बातें चिराग पासवान ने सेट कर लिया था कि बिहार में सरकार बनानी है आपकी, बिहार में अगर सरकार बनानी है तो नीतीश कुमार का बाइकाट कीजिए। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार चुनाव महागठबंधन से लड़े थे और एनडीए गठबंधन में चिराग साथ थे। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देने वाले चिराग ने वादा किया था कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हम आपकी सरकार बनाएंगे, और चेहरा कौन होगा, चेहरा भी बीजेपी के ओर से तैयार कर लिया गया था, लेकिन ये बातें नहीं बनी। नीतीश कुमार ने
उनकी इस शर्त को मंजूर नहीं किया था। इस शर्त किसका था? इस शर्त अब बीजेपी की ओर से था। बीजेपी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि सरकार बीजेपी की बने, कैंडिडेट बीजेपी को कहो, लेकिन नीतीश कुमार मंजूर नहीं हुए, सहमति नहीं बनी। देखिए एक बड़ा खुलासा और टुडे बिहार न्यूज पर हम कर रहे हैं, चिराग पासवान और बीजेपी के बीच जो डील हुआ था वो डील नीतीश कुमार को पता लग गया था, नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी लग गई थी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उनका गठबंधन लोक जनशक्ति पार्टी के साथ नहीं है, और ये बातें अब स्पष्ट भी हो गई है। देखिए एक और बड़ी खुलासा आपको कर दें, चिराग पासवान आपको बताने जा रहे हैं, चिराग पासवान एनडीए में नहीं रहेंगे लेकिन एनडीए को सपोर्ट करेंगे। एक बड़ी जानकारी, चिराग पासवान बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान नीतीश कुमार के उन तमाम कैंडिडेट्स को हराएंगे, जहां से जेडीयू के कैंडिडेट होंगे वहां लोक जनशक्ति पार्टी भी अपना कैंडिडेट उतारेगी, और नीतीश कुमार की बहुमत वाली बातों को दूर कर देंगे चिराग पासवान, नीतीश कुमार के विधायकों को नहीं जीतने देंगे, नीतीश कुमार के कैंडिडेट को नहीं जीतने देंगे, और बिहार में सरकार बनेगी भाजपा की, चिराग पासवान के मनसा है। और इस वजह से लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग पासवान ने यह निर्णय ले लिया है कि अब हम अकेले हैं, 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो एक बड़ी जानकारी, बड़ा खुलासा टुडे बिहार न्यूज पर हम कर रहे हैं, आगे भी हमारी नजरें बनी हुई है, आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।